अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्टी फूड विद तमन्ना। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़े। तो ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए हमने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो ये हमने आधा किलो बेसन लिया है और ये कुछ ब्रेड लिए हैं हमने, और आलू को हमने बॉईल कर लिया है, तीन आलू। और ये हमने लाल शिमला मिर्च ली है और हरी मिर्च जो कि हमने इसको बारीक कट कर लिया है। ये कुछ मसाले लिए हैं, ये कुटी हुई लाल मिर्च है एक टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और ये हमने दो टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ली है और एक टेबल स्पून सूखा धनिया लिया है और ये हमने हाफ़ टेबल स्पून जीरा लिया है। तो चलिए ब्रेड पकौड़ा बनाने रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करके बेसन को फेंट लेंगे। तो बेसन को हमने फेंट लिया है और इसे हमने पतला नहीं किया है, नॉर्मल रखा है। और अब हम इसमें एक अंडे डालेंगे। तो इसे हमने अंडा डाल के भी फेंट लिया है और अब हम इसको रख देते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये पैन गरम है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। दो टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें हम जीरा डालेंगे। धनिया, और इसे हम हल्का भून लेंगे। तो ये इसे हमने भून लिया है, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। हरी मिर्च और शिमला मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, और अब इसे मिक्स करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हमने इसमें एक टेबल स्पून नमक ऐड किया है और अभी इसे हल्का भून लेंगे। तो इसे हमने भून लिया है और इसकी खुशबू ही बहुत अमेजिंग आ रही है एंड बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो हमने आलू तैयार किया है वो हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड के ऊपर। देखिए इस तरह से हमें पूरे में लगाना है और फिर दूसरे ब्रेड हम इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरह हम सारे ब्रेड को तैयार करेंगे। तो हमने ये तैयार कर लिया है आलू इसमें रख के, और अब हम इसमें ब्रेड पकौड़े का शेप देके इसे कट करेंगे। तो ये देखिए हमने ब्रेड पकौड़े शेप देके इसे कट कर लिया है, देखिए। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड को कट करेंगे। तो ये देखिए ब्रेड को हमने कट कर लिया है पूरा अच्छे से, और ये हमने बेसन में थोड़ा सा कलर ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून, और हम ब्रेड को इसमें डिप करेंगे।
तो हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था, तो ये गर्म है और अब हम इसको ब्रेड को इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसे फ्राई करेंगे और अब हम इसको दूसरी तरफ पलट कर सेकेंगे। तो इस साइड हमने इसे फ्राई कर लिया है, तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। तो इसे हमने दोनों तरफ फ्राई कर लिया है और अब हम इसको निकालेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सिका है और अब हम इसको इसी तरह सारे ब्रेड पकौड़े को फ्राई करेंगे। तो हमने ब्रेड पकौड़ों को तल के तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अमेजिंग बना है, जैसे मार्केटों में मिलते हैं उस तरह हमने इसे घर में बना के तैयार किया है। और ये हमने रेड सॉस रखा है और ये ग्रीन चटनी है, तो ग्रीन और रेड सॉस के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है और ये स्नैक्स में बना के खा सकते हैं, यानी शाम के टाइम में, इवनिंग में, तो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।